हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर विनोद कामले इन दिसवर्टाइजिंग एजेंसी जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा एजेंसी सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मीनिंग देखते हैं सो एडवर एजेंसी जो होता है वो एक स्पेशलाइज फर्म होता है मतलब ये एक अलग से बिजनेस होता है जो एडवर्टीजमेंट बनाने में स्पेशलाइज होता है और इनका काम क्या होता है तो वो लोग जमेंट को मतलब कि तो प्रोड्यूस करना. करना मतलब किया जाता है और प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है वो एडवर्टीजमेंट को सुटेबल मीडिया में प्लेस करने का जैसे टीवी रेडियो न्यूजपेपर मैगजीन उसके अंदर उसको प्लेस करने का जैसे टीवी के लिए एड बनाया है तो उसको पर्टिकुलर चैनल के अंदर पर्टिकुलर टाइम पे प्लेस करने का या न्यूज़पेपर के लिए एड बनाया है तो उसको पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के अंदर पर्टिकुलर पेज पे या पर्टिकुलर दिन पे प्लेस करने का तो इस हिसाब से एड एजेंसी जो होता है वो एडवर्टीजमेंट को क्रिएट करता है डिजाइन करता है और प्लेस करता है और उसी के साथ साथ एड एजेंसी जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो भी प्रमोशनल कैंपेन्स है उनको प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं ना प्रमोशनल कैंपेन का मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कस्टमर को अवेयर किया जाता है तो उसके लिए अलग अलग वगैरह जो होते हैं वो एजेंसी एजेंसी प्लान और एग्जीक्यूट करती है so, इस agency, है सो इस हिसाब से एक फर्म जो एडवर्टीजमेंट को क्रिएट डिजाइन और प्लेस करते हैं और उसी के साथ साथ वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए प्रमोशनल कैंपेन को प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं तो इसको एड एजेंसी बोला जाता है नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एड एजेंसी तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ अमेरिका इन्होंने दिया हुआ है ये जो एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ अमेरिका है वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मतलब एड एजेंसी जो है वो एक सेपरेट बिजनेस है वो जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उस एडवर्टाइजर का बिजनेस नहीं है वो एक अलग से एक बिजनेस है जिसके अंदर काफी सारे क्रिएटिव लोग और बिजनेस लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ये जो क्रिएटिव और बिजनेस पीपल है इनका काम क्या होता है तो वो लोग एडवर्टीजमेंट को डेवलप करते हैं प्रिपेयर करते हैं और प्लेस करते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को मीनिंग में बताया कि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को पहले प्लान किया जाता है फिर वो एडवर्टीजमेंट को प्रिपेयर किया जाता है और फिर वो एडवर्टीजमेंट को मीडिया के अंदर प्लेस किया जाता है और ये सब किसके लिए किया जाता है तो जो सेलर्स होते हैं मतलब जो प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं वो उनके लिए किया जाता है ताकि वो अपने कस्टमर्स को सर्च कर पाए मतलब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी अपने कस्टमर को सर्च कर पाए तो इसके लिए यहाँ पे ये यह एडवर्टीजमेंट बनाया जाता है सो so, ये डेफिनेशन क्या कहता है कि एड एजेंसी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्रिएटिव और बिजनेस पीपल होते हैं और ये क्रिएटिव और बिजनेस पीपल एडवर्टीजमेंट को डेवलप प्रिपेयर और प्लेस करते हैं मीडिया के अंदर और इसके वजह से जो सेलर है वो अपने कस्टमर्स को सर्च कर पाते हैं सो so, इसको एड एजेंसी बोला जाता है तो बेसिकली आप लोगों को एक ही याद रखना है यहाँ पे कि एड एजेंसी जो होते हैं ये लोग एडवर्टाइजर को एड बनाने में हेल्प करते हैं बिकॉज इनके पास एक पूरा टीम होता है और वो टीम जो होता है वो एक इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बना के एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एड एजेंसी तो सबसे पहला फीचर है एड एजेंसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एड एजेंसी जो है एक सेपरेट बिजनेस होता है ये बिजनेसमैन के बिजनेस का पार्ट नहीं होता है ये अलग से एक एजेंसी होती है और इनका काम होता है एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड स्पेशलाइज सर्विस जो है वो एडवर्टाइजर को प्रोवाइड करने का तो इस हिसाब से एड एजेंसी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है जो एडवर्टीजमेंट बनाने में स्पेशलाइज होते हैं यहाँ पे काफी सारे क्रिएटिव लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया अभी ये कौन से कौन से क्रिएटिव लोग यहाँ पे होते हैं तो कुछ कॉपीराइटर्स होते हैं लेआउट डिजाइनर्स होते हैं आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं मीडिया प्लानर्स होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं अभी कॉपी कौन होते हैं तो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होता है या रिटर्न मैसेज होता है वो लिखने वाले कॉपी होते हैं और ये कॉपी जो होते हैं वो कम से कम शब्दों में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो लिखते हैं ताकि वो एडवर्टीजमेंट में कस्टमर्स को प्रेजेंट किया जाए तो ये कॉपी राइटिंग में स्पेशलिस्ट होते हैं जो एडवर्टीजमेंट का जो रिटर्न कंटेंट होता है वो लिखने का काम करते हैं फिर बाद में एड एजेंसी के अंदर कुछ लेआउट डिजाइनर्स भी होते हैं नाउ लेआउट डिजाइनर्स का मतलब क्या होता है तो ये ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो ड्राइंग का या लेटर्स वगैरह जो होता है उसका कामकाज देखते हैं और दूसरा इनका काम होता है एडवर्टीजमेंट को अरेंज करने का कि कौन सा एडवर्टीजमेंट का पार्ट जो होता है वो कहाँ पे होना चाहिए तो एक तरीके से ये लोग क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट को एक फाइनल टच देते हैं तो उनको लेआउट डिजाइनर बोलते हैं लेआउट का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर कि एडवर्टीजमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए वो लेआउट डिजाइनर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं फिर बाद में एड एजेंसी में होते हैं आर्ट डायरेक्टर सो डायरेक्टर्स का मतलब आपको पता है कि डायरेक्टर जो होते हैं वो एक डायरेक्शन देते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरीके से बनना चाहिए सो so, अलग अलग एडवर्टीजमेंट के जो पार्ट बनाने वाले लोग होते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शंस देने का उनको गाइड करने का काम जो होता है वो आर्ट डायरेक्टर का होता है और सब लोगों से यहाँ पे वो काम करवा के लेते हैं फिर बाद में नेक्स्ट होते हैं मीडिया प्लानर मीडिया प्लानर वो होते हैं जो मीडिया के बारे में प्लानिंग करते हैं जैसे कि एडवर्टाइजर को अलग अलग मीडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट करना है या किसी भी मीडिया में एडवर्टाइजर को एडवर्टीजमेंट करना है तो वो मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस जो होता है वो बुक करने का काम मीडिया प्लानर करते हैं बिकॉज एडवर्टीजमेंट बनाने के बाद में उसको टाइम पे पर्टिकुलर मीडिया में प्लेस करना भी बहुत जरूरी होता है तो टीवी पे अगर उसको एडवर्टीजमेंट करना है तो टीवी में कौन से दिन पे या कौन से टाइम पे वो एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए उसका बुकिंग जो होता है मीडिया प्लानर करते हैं या न्यूज़पेपर में ऐड करना है तो कौन से दिन पे कौन से पेज पे एडवर्टीजमेंट आना चाहिए तो वो मीडिया प्लानर काम देखते हैं तो यहाँ पे मीडिया प्लानर जो होता है उनका काम एक ही रहता है कि मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस बुक करने का ताकि वो टाइम पे वो एडवर्टीजमेंट जो मीडिया के अंदर पहुंच जाए फिर कुछ आर्टिस्ट होते हैं आर्टिस्ट मतलब जो लोगो डिजाइनर्स होते हैं फोटोग्राफर्स होते हैं पेंटर्स होते हैं तो इस तरीके से ये सारे क्रिएटिव और बिजनेस पीपल जो होते हैं वो एड एजेंसी के अंदर होते हैं तो इस हिसाब से हम लोग ने देखा कि एड एजेंसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और एड एजेंसी के अंदर अलग अलग क्रिएटिव लोग और बिजनेस लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर कॉपीराइटर लेआउट डिजाइनर आर्ट डायरेक्टर मीडिया प्लानर और आर्टिस्ट ये सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं

मतलब जो भी एड कैंपेन प्लान हुआ है उसको एक्चुअल करने का उसको एक्चुअल में लाने का जो काम होता है वो भी एड एजेंसी अपने क्लाइंट के लिए करती है और फाइनली वो एडवर्टीजमेंट को मीडिया में प्लेस करने का जैसे टीवी रेडियो न्यूज मैंने आपको बताया ये सब मीडिया में वो एडवर्टीजमेंट को पुटअप करने का ये भी काम जो होता है वो एड एजेंसी करती है उसी के साथ साथ कुछ ऐड एजेंसी जो है वो एडवर्टाइजर को बजट वगैरह प्रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं मतलब उनका बजट कितना है उसके हिसाब से उनको एडवर्टीजमेंट वगैरह जो होते हैं वो बना के देते हैं तो इस हिसाब से एड एजेंसी जो है अलग अलग सर्विसेज जो होते हैं वो एडवर्टाइजर को प्रोवाइड करते हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट को प्लान करना प्रिपेयर करना एडवर्टीजमेंट को मीडिया में प्लेस करने का बजट बना के देने का और इसके अलावा भी काफी सारे सर्विसेज जैसे मार्केटिंग के रिलेटेड सर्विसेज जैसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए तो इसका भी कंसल्टेंसी जो होती है वो कुछ एड एजेंसी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं तो ये सारे सर्विसेस है जो एड एजेंसी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं देन नेक्स्ट फीचर इज लिंक बिटवीन एडवर्टाइजर एंड मीडिया मतलब एड एजेंसी जो है वो क्या करता है एडवर्टाइजर और ये सब मीडिया जो होते हैं इनको जोड़ने का काम करते हैं यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एड एजेंसी जो होती है वो एडवर्टाइजर के लिए मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस बुक करता है टाइम और स्पेस बुक करना क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि न्यूज़पेपर में अगर हमको ऐड करना है तो उसके लिए पहले बुकिंग करना पड़ता है कि कौन से पेज पे ऐड करना है कौन से दिन पे ऐड करना है तो ये एडवर्टाइजर खुद नहीं करते वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एडवर्टाइजर एड एजेंसी को देते हैं फिर एड एजेंसी जो होता है वो एडवर्टाइजर के लिए ये काम करते हैं सो so, इस तरीके से एड एजेंसी जो है वो एडवर्टाइजर को मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस बुक करने में हेल्प करते हैं बिकॉज एड एजेंसी का वो मीडिया के साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जिस भी मीडिया में एडवर्टाइजर को एडवर्टीजमेंट करना है या जिस भी टाइम पे जिस भी प्लेस पे एडवर्टीज करना है वो एजेंसी जो है उनको करके देते हैं बिकॉज उनके मीडिया से बेटर डील मिलने में भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो हेल्प करती है बेटर डील का मतलब क्या होता है जैसे डिस्काउंट वगैरह होते हैं या फ्रंट पेज पे एडवर्टीजमेंट करवा के देना या प्राइम टाइम पे टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट करके देना तो ये सारे मीडिया डील जो होते हैं वो एजेंसी क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं और आजकल कुछ एड एजेंसी स्पेशलाइज होती है सिर्फ मीडिया के अंदर टाइम और स्पेस बुक करने के लिए मतलब जनरली पहले कैसा होता था कि एक एड एजेंसी होती थी जो पूरा एड बनाने में एडवर्टाइजर को हेल्प करती थी और वो एड को मीडिया में प्लेस करने में भी हेल्प करती थी आजकल ऐसे भी स्पेशलाइज एड एजेंसी निकले हैं जिनका सिर्फ काम ये है कि मीडिया में टाइम और स्पेस बुक करके देने का सो so, यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो एड एजेंसीज होती है वो अलग अलग मीडिया में टाइम और स्पेस खुद परचेस कर लेते हैं जैसे कि पर्टिकुलर एड एजेंसी है उन्होंने ऑलरेडी टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज या सेकेंड पेज थर्ड पेज जो है बुक करके रखा हुआ है उन्होंने टीवी के ऊपर स्टार प्लस का सेवन टू नाइन का पूरा जो स्लॉट है वो बुक करके रखा हुआ है फिर बाद में उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया में होर्डिंग को बुक करके रखा हुआ है फिर बाद में ये बुक करके क्या करते हैं जो क्लाइंट्स होते हैं उनको वो टाइम और स्पेस जो होता है वो सेल करते हैं और उसके बदले में उनको कमीशन मिलता है सो so, कुछ ऐसे स्पेशलाइज मीडिया एजेंसीज होते हैं जो क्लाइंट को टाइम और स्पेस जो है बुक करने में हेल्प करते हैं तो इस हिसाब से एड एजेंसी जो है वो एडवर्टाइजर और मीडिया को जोड़ने का काम करते हैं और एडवर्टाइजर के लिए वो लोग क्या करते हैं टाइम और स्पेस जो है मीडिया में बुक करने का काम करते हैं देन फोर्थ फीचर इज साइज ऑफ एड एजेंसी नाउ यहाँ पे अलग अलग साइज के एड एजेंसीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बिजनेस टर्नओवर कुछ एड एजेंसी जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं मतलब वो लोकल एरिया में ऑपरेट होते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ब्राइट ग्लोबल या आर के मीडिया डिजिटल मार्केटिंग इनफोकस ये सारे एड एजेंसी जो है ये लोग लोकल एरिया में काम करते हैं जैसे मुंबई में आप लोग हाईवे से ट्रेवल वगैरह करते हो तो आप लोगों ने इनके होर्डिंग देखे होंगे जहां पे लिखा रहता है कि आप लोगों को अगर एडवर्टीजमेंट करना है तो ये नंबर पे कांटेक्ट करो तो जो भी एडवर्टाइजर्स लोकल एरिया में एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं तो ऐसे कुछ स्मॉल एड एजेंसीज होते हैं और कुछ लार्ज एड एजेंसीज भी होते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट होते हैं जिसमें डब्ल्यू पीपी ग्रुप है ऑमनीकॉम ग्रुप है, है फिर पब्लिस ग्रुप है इंटर पब्लिक ग्रुप है तो ये सारी बड़ी एड एजेंसीज है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टीजमेंट करती है तो ऐसे कुछ लार्ज साइज के एड एजेंसी होते हैं उसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं और कुछ स्मॉल साइज के एड एजेंसी आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं नेक्स्ट फीचर इज टाइप ऑफ एड एजेंसी न अलग अलग टाइप के एड एजेंसी होते हैं जिसमें एक है फुल सर्विस एजेंसी क्रिएटिव बुटीक इन हाउस एजेंसी मॉड्यूलर एजेंसी स्पेशलिस्ट एजेंसी नाउ ये सारे जो अलग अलग टाइप के एड एजेंसीज है इनका मीनिंग जो है वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि फुल सर्विस एजेंसी क्या होती है जो अपने क्लाइंट को सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं मतलब वो अपने क्लाइंट के लिए कॉपी भी करेंगे लेआउट डिजाइनिंग भी करेंगे मीडिया प्लानिंग भी करेंगे सारी सर्विस जो अपने है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं फिर होता है क्रिएटिव बुटीक नाउ क्रिएटिव बुटीक जो होता है वो अपने क्लाइंट को सारे सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं उनका स्पेशलिटी होता है एक पर्टिकुलर सर्विस में जैसे एक पर्टिकुलर क्रिएटिव एड एजेंसी है जो सिर्फ कॉपीराइट में एक्सपर्ट है तो वो कॉपीराइटिंग का सर्विस ही क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं दूसरे है जो सिर्फ मीडिया प्लानिंग में एक्सपर्ट है या मीडिया में टाइम और फेसबुक में एक्सपर्ट है तो वही सर्विस सिर्फ वो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है फुल सर्विस एड एजेंसी क्लाइंट को सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं मतलब क्लाइंट को यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है और क्रिएटिव बुटीक जो है वो पर्टिकुलर सर्विस में स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक ही टाइप का सर्विस जो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं तो अगर सपोज कोई क्लाइंट है जो ये सोचते हैं कि मुझे एक ही एजेंसी से सारी सर्विस चाहिए तो वो लोग फुल सर्विस एड एजेंसी के पास जा सकते हैं या कुछ क्लाइंट जो ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे स्पेशलिस्ट एड एजेंसी चाहिए एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए तो वो लोग क्रिएटिव बुटीक एड एजेंसी के पास जा सकते हैं फिर कुछ हाउस एड एजेंसी होते हैं हाउस एड एजेंसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं जो काफी सारे एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो खुद का एक एड एजेंसी जो सेट है सेटअप करते हैं और वो एड एजेंसी के थ्रू वो लोग खुद के एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो छोटे बिजनेसमैन इन हाउस एजेंसी सेटअप नहीं करते बिकॉज वो बहुत ही कम करते हैं उन लोगों को इन हाउस एजेंसी जो होता है होता है है काफी कॉस्टली पर बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों को काफी सारे एडवर्टीजमेंट बनाने पड़ते हैं तो वो लोग क्या करते हैं खुद का इन हाउस एड एजेंसी सेटअप करते हैं फिर बाद में मेगा एजेंसी होता है मेगा एजेंसी का मतलब क्या होता है कि ये एड एजेंसी जो होती है इसमें दो एड एजेंसी का मर्जर होता है मतलब कि दो एड एजेंसी यहां हैं और ये एड एजेंसी सेटअप किया जाता है इसके पीछे का इनका परपज क्या होता है कि सपोज एक इंडिया की एड एजेंसी है और एक अमेरिकन एड एजेंसी है तो वो दो एड एजेंसी मर्ज हो जाएंगे जिसके वजह से इंडिया के एड एजेंसी को अमेरिका का मार्केट मिलेगा और अमेरिका के एड एजेंसी को इंडिया का मार्केट मिलेगा और इनका बिजनेस जो ग्रो करेगा तो जब दो एड एजेंसी मर्ज होती है तो उसको मेगा एड एजेंसी बोलते हैं फिर बाद में स्पेशलिस्ट एड एजेंसी होती है स्पेशलिस्ट एड एजेंसी जो होते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे एक एड एजेंसी है जो सिर्फ फाइनेंशियल एड बनाती है जैसे शेयर्स के बारे में म्यूचुअल फंड्स के बारे में या डिबेंचर्स के बारे में उनका सिर्फ एडवर्टीजमेंट बनाती है दूसरी एड एजेंसी है जो सिर्फ व्हीकल्स के एडवर्टीजमेंट बनाती है जैसे टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो व्हीकल्स है उनकी सिर्फ ये एडवर्टीजमेंट बनाते हैं या तीसरा एड एजेंसी है वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की एडवर्टीजमेंट बनाती है सो so, उस हिसाब से ये जो एडवर्टीजमेंट है वो पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट बनाने में स्पेशलिस्ट होते हैं तो ये सारे अलग अलग टाइप के एड एजेंसीज होती है इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग जो है वो आगे टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्वेश्चन में देखने वाले हैं अभी सिर्फ आपको यहाँ पे याद रखना है कि फुल सर्विस एड एजेंसी अपने क्लाइंट को फुल सर्विस प्रोवाइड करती है मतलब क्लाइंट को यहाँ पे सारे सर्विसेज एक ही एजेंसी से मिलते हैं क्रिएटिव क्रिएटिविटी एड एजेंसी जो होती है वो एक पर्टिकुलर सर्विस में स्पेशलिस्ट होते हैं जैसे सिर्फ कॉपी राइटिंग के काम में वो स्पेशलिस्ट है या फिर मीडिया सर्विसेज में वो लोग स्पेशलिस्ट है और वो एक ही सर्विस एक क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं फिर इनहाउस एड एजेंसी मतलब क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो खुद का एक एड एजेंसी का डिपार्टमेंट ही सेटअप करते हैं

पे करना पड़ता है बिकॉज एजेंसी ने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो सर्विसेज का कॉम्पेंसेशन यहाँ पे एड एजेंसी जो है वो एडवर्टाइजर से लेती है न यहाँ पे अलग अलग तरीके से एड एजेंसी को एडवर्टाइजर जो कॉम्पेंसेशन पे कर सकते हैं जिसमें एजेंसी फीस एजेंसी चार्जेस कॉस्ट प्लस सिस्टम ऐसे अलग अलग तरीके से क्लाइंट जो है वो एड एजेंसी को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं है, 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 तो, है, तो वहां पे मैं आप लोगों को ये सब का मीनिंग बताऊंगा अभी सिर्फ इतना ही याद रखना कि जब एक एड एजेंसी एडवर्टाइजर के लिए काम करती है तो एड एजेंसी को एडवर्टाइजर को कमीशन पे करना पड़ता है और ये कमीशन जो होता है बेसिकली 15 परसेंट होता है मीडिया बिल का

एडवर्टाइजर एड एजेंसी को पे करता है उसको एजेंसी फीस बोला जाता है और ये कमीशन बेसिकली फिफ्टीन परसेंट होता है मीडिया बिल का ये कमीशन कम ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रेपेशन ऑफ द एड एजेंसी फिर एजेंसी चार्जेस होते हैं एजेंसी चार्जेस का मतलब क्या होता है कि कभी कभी एड एजेंसी जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मतलब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एड एजेंसी खुद के जेब से करती है और फिर बाद में एडवर्टाइजर जो होता है उनको वो चार्जेस जो है एड एजेंसी को पे करना पड़ता है जैसे कि एड एजेंसी को स्लोगन बना के चाहिए था और वो स्लोगन एड एजेंसी ने क्या किया किसी और एड एजेंसी के पास से बनवा के लिया तो उसके लिए एड एजेंसी ने वो दूसरे एड एजेंसी को पे किया और ये जो एड एजेंसी है वो एडवर्टाइजर से वो पैसा क्या करेगी वापस से रि करवाएगी तो उसको बोलते हैं एजेंसी चार्जेस जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहलाते हैं देन कॉस्ट प्लस सिस्टम होता है Now, जैसे मैंने एजेंसी फीस में आपको बताया था कि एड एजेंसी जो है वो फिफ्टीन कमीशन लेती है एडवर्टाइजर से और ये फिफ्टीन जो होता है मीडिया बिल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है लेकिन कभी कभी क्या होता है मीडिया बिल काफी कम होता है तो ऑब्वियसली कमीशन भी यहाँ पे कम होगा तो उस केस में कंपनी एजेंसी फीस चार्ज नहीं करती है तो कॉस्टलेस सिस्टम को फॉलो किया जाता है जिसमें क्या होता है कि एड बनाने का कॉस्ट कितना हुआ वो और उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है और उतना क्लाइंट को चार्ज किया जाता है तो ये अलग अलग कॉम्पेंसेशन के तरीके होते हैं जो एडवर्टाइजर को एड एजेंसी को पे करने पड़ते हैं तो एक में हम लोग ने देखा कि एड एजेंसी को एडवर्टाइजर जो 15 परसेंट कमीशन पे करता है और ये 15 परसेंट जो होता है मीडिया बिल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं दूसरा हमने देखा एजेंसी चार्जेस में एड एजेंसी ने जो भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस किए वो एडवर्टाइजर को एड एजेंसी को पे करने पड़ते हैं और तीसरा हमने सिस्टम में देखा कि जब भी मीडिया बिल बहुत ही कम होता है तो एजेंसी कमीशन नहीं लेती है तो उनको क्या करती है जो भी एड बनाने का कॉस्ट हुआ उसके अंदर कुछ प्रॉफिट एड करके उतना एजेंसी क्लाइंट से कॉम्पेंसेशन लेती है तो इस तरीके से अलग अलग एजेंसी कॉम्पेंसेशन होते हैं नेक्स्ट वन इज एजेंसी अक्रेडिटेशन अक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि ए ग्रेड कॉलेज है मतलब वो कॉलेज काफी अच्छा है वहां पे टीचिंग या उधर की एक्टिविटी जो काफी अच्छी है या फिर डी ग्रेड कॉलेज है तो वहां पे काफी सारे लूपोल्स है तो उस हिसाब से वो ग्रेडिंग को देख स्टूडेंट जो है वो किस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो डिसाइड करते हैं सेम तरीके से एक फेमिलियर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे कि फिल्म जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग की रेटिंग देखते हैं जैसे वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार अगर किसी पर्टिकुलर मूवी को फाइव स्टार होंगे मतलब वो मूवी काफी अच्छी है या वन या टू स्टार होगा मतलब वो मूवी जो है प्लॉप है ऐसा अज्यूम किया जाता है तो ये जो ग्रेडिंग होता है जो कॉलेजेस को किया जाता है या मूवीज को किया जाता है फिर बाद में आपने देखा होगा डिबेंचर वगैरह होते हैं बॉन्ड्स वगैरह होता है तो उसको भी ग्रेडिंग किया जाता है जिसके वजह से लोगों को पता चलता है कि कौन से डिवेंचर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सो ये जो ग्रेडिंग होता है उसको ये अक्रेडेशन बोलते हैं सो यहाँ पे एड एजेंसीज का भी अक्रेडेशन होता है और ये अक्रेडेशन बेसिकली कौन करते हैं तो कुछ एजेंसीज है जिनका नाम है इंडियन न्यूज सोसाइटी जिसको आई बोलते हैं देन ऑल इंडिया रेडियो जिसको एयर बोलते हैं और फिर बाद में दूरदर्शन तो ये सारे एजेंसी जो है वो एड एजेंसीज का अक्रेडिटेशन करते हैं मतलब उनका ग्रेडिंग करते हैं और ये ग्रेडिंग कैसे किया जाता है तो एड एजेंसी किस टाइप का एड बनाते हैं वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं कि नहीं तो ये सब चीजें जो होती है उसको देखा जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेडिंग दिया जाता है सपोज एक पर्टिकुलर एड एजेंसी को ये एजेंसीज ने अक्रेडिट किया मतलब उनका जो काम काज है उसको उन्होंने किया और उन्होंने देखा कि अच्छा एड बनाती है सारे नॉर्म्स को फॉलो करती है तो उससे क्या होगा कि ये सारे जो एजेंसीज है उनको क्या करेंगे हायर रेटिंग देंगे मतलब ए या ए प्लस ऐसा रेटिंग देंगे पर कोई दूसरा एड एजेंसी है जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है बहुत ही इनडिसेंट एडवर्टिजमेंट बनाते हैं तो उस केस में क्या होगा ये एजेंसी जो उनको लो रेटिंग देंगे तो ये रेटिंग जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये रेटिंग की वजह से पता चलता है कि वो एड एजेंसी के अंदर कितना प्रोफेशनलिज्म है या किस टाइप के एडवर्टीजमेंट वो लोग बनाते हैं उसके हिसाब से हाँ पे ग्रांट किया जाता है और फिर बाद में जो एड एजेंसी का अक्रेटेशन होता है उनको ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो ये सर्टिफिकेट जो होता है वो एड एजेंसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये एड एजेंसी को सर्टिफाई करता है कि ये एड एजेंसी जो है वो कौन से ग्रेड का है और उसके हिसाब से वो एड एजेंसी जो है वो एडवर्टीजमेंट में ये दिखा सकते और इवन वो अपने काफी अच्छे एडवर्टीजमेंट बनाते हैं तो दे कैन चार्ज हायर प्राइस सो इवन क्लाइंट जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं ये अक्रेटेशन को देख के सो एजेंसी अक्रेटेशन काफी जरूरी होता है नेक्स्ट फीचर इज एजेंसी क्लाइंट रिलेशनशिप Now, जो भी एजेंसी और क्लाइंट होते हैं इनके बीच में अच्छा रिलेशन होना काफी जरूरी है और ये रिलेशनशिप अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जा सकता है जिसमें एजेंसी और क्लाइंट इनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए फिर बाद में रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए जिसके अंदर वो लोग एडवर्टीजमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है क्या कंटेंट होना चाहिए उसको डिस्कस कर सकते हैं उसके बाद में रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रेक्ट होने चाहिए मतलब क्या कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट टाइमली रिन्यूव करना चाहिए बिकॉज काफी बार क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया जाता है तो एड एजेंसी फीस बढ़ाने की डिमांड करती है या फिर एडवर्टाइजर जो है वो डिस्काउंट का डिमांड करता है तो उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होते हैं तो दोनों में झगड़े हो सकते हैं तो दोनों ने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूव करना चाहिए दोनों ने एक दूसरे के साथ सक्सेस को शेयर करना चाहिए मतलब कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर सक्सेसफुल होती है तो एड एजेंसी ने बोलना चाहिए कि क्लाइंट ने सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली हम लोग को प्रोवाइड की इसके वजह से एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल हुआ और क्लाइंट ने बोलना चाहिए कि एड एजेंसी ने काफी क्रिएटिव एडवर्टीजमेंट बनाया काफी सारे एफर्ट्स पुटअप किए इसके लिए एडवर्टीजमेंट सक्सेसफुल हुआ तो इस हिसाब से एक दूसरे के साथ एड एजेंसी और क्लाइंट ने सारा जो एडवर्टीजमेंट का सक्सेस है वो शेयर करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेमेंट जो है वो टाइम पे क्लाइंट ने पे करना चाहिए मतलब एजेंसी के रिमाइंडर का यहां पे रहा नहीं देखना चाहिए जैसे ही उनका पेमेंट ड्यू होता है वो पेमेंट जो है वो क्लाइंट ने पे कर देना चाहिए तो ये सारे फैक्टर्स है जो एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं बिकॉज एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में झगड़े होंगे तो क्या होगा कि उसका परिणाम एडवर्टीजमेंट के ऊपर होगा वो एड एजेंसी जो अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट नहीं बनाएगा और फिर क्या होगा जो क्लाइंट है वो उस पर्टिकुलर एड एजेंसी को छोड़ के किसी और एजेंसी के पास जाएंगे तो इसके लिए एजेंसी और क्लाइंट के बीच में अच्छे रिलेशन होना काफी जरूरी है और रिलेशन मेंटेन करने के ये सारे अलग अलग तरीके हैं। और फिर लास्ट वाला है कंट्रीब्यूट टू द मार्केटिंग सक्सेस ऑफ द क्लाइंट मतलब एड एजेंसी जो है वो किसी भी मार्केटर के मार्केटिंग सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे एजेंसी इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं हैं के थ्रू और प्रोडक्ट को प्रमोट करते जैसे कि हम लोग कैडबरी का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैडबरी में एक प्रॉब्लम हुआ था कि उसमें वगैरह आना शुरू हो गया था बिकॉज उसका पैकेजिंग जो था वो कागज का था तो ये चॉकलेट होने की वजह से उसके अंदर वार्म पाए गए थे जिसके वजह से कैडबरी का इमेज जो काफी नेगेटिव हो गया था फिर बाद में कैडबरी का पैकेज जो है पूरी तरीके से चेंज किया गया और उसी के साथ साथ मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है उनको कैडबरी के एडवर्टीजमेंट में लिया गया फिर उसके काफी सारे एडवर्टीजमेंट बनाए गए जिसमें सबसे पहले उसका एडवर्टीजमेंट बनाया था कुछ मीठा हो जाए जो इतना पॉपुलर हो गया और इतना सक्सेसफुल हो गया जिसकी वजह से कैडबरी का जो सेल है वो बढ़ना शुरू हो गया तो इस तरीके से एड एजेंसी जो है वो इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं और वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो आज हम लोग देखते हैं कि कैडबरी का कुछ मीठा हो जाए इसके साथ साथ आज पहली तारीख है फिर बाद में शुभारंभ और फिर बाद में अलग अलग फेस्टिवल्स उनके एड में दिखाया जाता है जिसकी वजह से कैडबरी जो है वो काफी पॉपुलर हो चुका है और आजकल आप देखते हो कि हर एक इवेंट के अंदर लोग क्या करते हैं कैडबरी की डिमांड करते हैं एज अ स्वीट तो इस हिसाब से वो जो कैडबरी के एड एजेंसी थी उन्होंने काफी सारे इनोवेटिव आइडिया जो है पुटअप किए उसकी वजह से कैडबरी का मार्केटिंग जो है सक्सेसफुल हो पाया सो दिस वॉज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ एड एजेंसी Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And also, recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.